वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 मई 2019 और 15 मई 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूबिका 2019 का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी यूबिका 2019 का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आखिर ये यूबिका है क्या। तो इसरो का ये एक प्रोग्राम है यूबिका, इसकी फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम और इंग्लिश में कहें तो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसमें इसरो का प्लान है कि इंडिया के हर स्टेट से अप्रोक्स 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाए और फिर उनको गर्मी की छुट्टियों में स्पेस साइंस के बारे में ट्रेनिंग दी जाए। तो इस बार इसरो ने यूबिका 2019 के लिए 110 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है और इनको गर्मी की छुट्टियों में 2 वीक की स्पेस साइंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये है यूबिका प्रोग्राम और इसको इसरो ने शुरू किया है और इसका अभी उद्घाटन बेंगलुरु में किया है इसरो के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष के सिवान ने। अच्छा, इसकी शुरुआत इसरो ने की है तो इसरो के बारे में पता होना चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई कि कब थी? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? के सिवान। अच्छा, इसरो की स्थापना की किसने थी? विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन ने किसके साथ एक सामरिक स्टोर शुरू किया है? तो अभी दूरदर्शन ने अमेजन इंडिया के साथ एक सामरिक स्टोर शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है सामरिक स्टोर? तो इस पर क्या होगा, दूरदर्शन से रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी, जैसे दूरदर्शन का लोगो लगा हुआ टी शर्ट मिलेगी, मग मिलेगा, इस टाइप की चीजें इस स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। तो अमेजन के साथ मिलकर दूरदर्शन ने इसकी शुरुआत की है और प्रसार भारती के जो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं ए सूर्य प्रकाश, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मानव रहित सब स्टेशन कहां शुरू हुआ है? तो अभी भारत का पहला मानव रहित सब स्टेशन शुरू हुआ है चेन्नई में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने भारत का पहला मानव रहित सब स्टेशन शुरू किया है चेन्नई में। एक्चुअल में ये 33 KV का एक सब स्टेशन था जिसको अब मानव रहित सब स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की तरफ से। अब ये तमिलनाडु में है तो आप मैप में देखिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC मैच रेफरी बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी GS लक्ष्मी ICC मैच रेफरी बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं GS लक्ष्मी और यही ICC मैच रेफरी बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया है ICC, इसके बारे में पता होना चाहिए। ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और ICC के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर। अच्छा, ICC के अभी CEO कौन है? डेव रिचर्डसन।
अभी डेव रिचर्डसन है, लेकिन अगले सीईओ अपॉइंट हो चुके हैं मनु साहनी। अभी जब वर्ल्ड कप होगा उसके बाद से नए सीईओ बन जाएंगे मनु साहनी, क्योंकि इनको अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, अब आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने थे अभी, उनका नाम मैंने आपको बताया था, आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? अनिल कुंबले। और अब ये आईसीसी मैच रेफरी बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जी एस लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदाग्रस्त राज्य के लिए विशेष श्रेणी की मांग की है? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने आपदाग्रस्त राज्य के लिए एक विशेष श्रेणी की मांग की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो लैंग्वेज लिखी है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपदाग्रस्त राज्य, यहां से क्वेश्चन बनेगा। उड़ीसा पिछले कुछ सालों से लगातार आपदा से ग्रसित होता आ रहा है, कई आपदा आई हैं कंटिन्यू उड़ीसा में। अभी इसी साल अगर आप देखोगे तो फानी आया, फानी ने उड़ीसा के बहुत सारे जिलों को लगभग डैमेज कर दिया पूरी तरह से, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उड़ीसा को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो इसीलिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने आपदाग्रस्त राज्य के लिए विशेष श्रेणी की मांग की। इस साल फानी आया था, उससे पहले उड़ीसा में तितली आया था, उससे पहले हुदहुद आया था, उससे पहले फैलेन आया था। तो ये जो आपदाएं आ रही हैं उड़ीसा में, इससे कंटिन्यू उड़ीसा का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, तो फिर से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उड़ीसा को बहुत ज्यादा मनी का लॉस होता है। इसीलिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने आपदाग्रस्त राज्य के लिए विशेष श्रेणी की मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब बात उड़ीसा की है तो मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, जब भी बात उड़ीसा की आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में दिनेश पेक्टी को अपॉइंट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दिनेश पेक्टी, और इन्हीं को एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, एलआईसी म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल 1989 में हुई थी एलआईसी म्यूचुअल फंड की स्थापना। अच्छा, इसकी स्थापना की किसने थी? एलआईसी ने की थी। अच्छा, एलआईसी ने की थी तो एलआईसी की खुद की स्थापना कब हुई थी? एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल कहां शुरू हुआ है? तो अभी फ्रांस में शुरू हो गया है कांस फिल्म फेस्टिवल, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, ये अभी फ्रांस में शुरू हो गया है। अच्छा, फ्रांस में शुरू हुआ है तो आप मैप में देखिए, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है? तो अभी डीआरडीओ ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चांदीपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये चांदीपुर कहां पे है? चांदीपुर है उड़ीसा में, और यहीं पे डीआरडीओ ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अच्छा, ये जो अभ्यास है ये है क्या? ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। अब इसे शुद्ध हिंदी में कहें तो ये एक लड़ाकू ड्रोन है, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। अब परीक्षण डीआरडीओ ने किया है तो डीआरडीओ के बारे में पता होना चाहिए। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ का मोटो अक्सर पूछ लिया जाता है, और मैंने आपको कई बार बताया है डीआरडीओ का मोटो क्या होता है, वलस्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है, और इसी को इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, दोनों आपको याद रखने हैं। कई बार ऑप्शन में संस्कृत वाला लिख देता है और कई बार इंग्लिश वाला लिख देता है, तो आप याद रखिए संस्कृत में है वलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अमित अग्रवाल ने किस कंपनी के सीएफओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो अमित अग्रवाल अभी जेट एयरवेज के सीएफओ थे, लेकिन अब इन्होंने सीएफओ के पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो सीएफओ लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो जेट एयरवेज के सीएफओ थे अमित अग्रवाल, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जेट एयरवेज अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इनका नाम आप याद रखिए, अमित अग्रवाल, इन्होंने अब रिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 किसने जीता है? तो अभी जापान के योसुक आसाजी ने एशिया पैसिफिक डायमंड कप जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं योसुक आसाजी, ये जापान के हैं और इन्होंने अभी एशिया पैसिफिक डायमंड कप जीत लिया है। अच्छा, ये जापान के हैं तो आप मैप में देखिए, ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? सिंजो अबे। अच्छा, जापान की संसद का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। अब मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दो नाम और लिखे हैं, एक लिखा है राहिल गंग जी, ये इंडिया के हैं, तो ये कौन से नंबर पर रहे? ये 39th नंबर पर रहे। एक नाम और लिखा है विराज मड़प्पा, ये कौन से नंबर पर रहे? ये 53 नंबर पर रहे। तो ये दोनों इंडिया के हैं और राहिल गंग जी 39वें नंबर पर रहे और विराज मड़प्पा 53वें नंबर पर रहे। और ये जो एशिया पैसिफिक डायमंड कप है, ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने नैनीताल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जुर्माना क्यों लगाया है? तो एनपीए पहचान प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी की नैनीताल बैंक ने, इसी वजह से आरबीआई ने द नैनीताल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब जुर्माना नैनीताल बैंक पर लगा है, तो नैनीताल बैंक के बारे में पता होना चाहिए। नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नैनीताल में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मुकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीसीआर यानी कि सीएट क्रिकेट रेटिंग अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है विराट कोहली ने, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सीएट क्रिकेट रेटिंग्स इंटरनेशनल पुरस्कारों में विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है और रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद बंदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH RC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।